हाय दोस्तों, आपके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। ये है डिस्कवर 112 सीसी की, और एक भाई ने कमेंट भी किया था कि इसकी माइलेज सेटिंग या कार्बोरेटर की सेटिंग के बारे में बताए। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि ये मिसिंग कर रही है, तो हम इसको क्लीन करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए अभी मेरे को टाइम मिला है, तो मैं सबसे पहले आपको कार्बोरेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करने की है। तो ये स्क्रू है, ये RPM का है। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको समझ जाने का कि थोड़ी साइड में पशु है तो उसका आवाज़ आ रहा है। तो ये RPM का स्क्रू है, ये जो सीधा लगा हुआ है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है इस तरीके से, ये वाला छोटा, तो ये एयर का स्क्रू है। इससे हमारी कार्बोरेटर की सेटिंग होगी, और इससे RPM कम ज़्यादा कर सकते हो आप, और एक कार्बोरेटर का एयर कितना देने का है पेट्रोल के साथ में, उसका स्क्रू है। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लूँगा थोड़ा RPM बढ़ा के, ताकि ये स्टार्ट रहे, तो मैं स्टार्ट करके ले लेता हूँ। तो अभी हमने इसको स्टार्ट करके ले लिया है, तो अभी हम सबसे पहले इसके RPM बढ़ाएंगे। चार हज़ार RPM तक रखेंगे हम उसके आसपास। धीरे धीरे RPM बढ़ाने के हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ाने के। और जो हमने एयर का स्क्रू था उसको अभी लगा लिया है पेचकस, तो इसको पहले टाइट करेंगे। तो अभी RPM कम हो जा रहा है, तो हम इसको खोलेंगे धीरे धीरे करके, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा RPM होगा वहीं पर छोड़ देंगे इसको। RPM कम हो रहा है, तो हम इसको टाइट करेंगे। RPM इधर है, तो हम इसको छोड़ देंगे और RPM कम कर देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको इसका भी सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये वाला जाम रहता है, तो ये केबल खींचता नहीं है, या खींचता है तो नीचे रह जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका सेटिंग नहीं होगा तो आपका RPM कभी भी रुकेगा नहीं। देख सकते हो अभी इतना है, तो मैं इसको नीचे करूँगा तो RPM कम ज़्यादा हो गए। देखो बंद हो जा रहा है, तो अभी ये RPM कंप्लीट है, तो नीचे करूँगा तो बंद हो जाएगा गाड़ी।
देखो आरपीएम बहुत कम हो गया और इसको ऊपर रखूँगा तो आरपीएम बढ़ गया। तो इसका भी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये जाम है तो आप इसे को खोल के इसको सही कर सकते हो आप। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और अभी मैं इसका क्लीन करूँगा और सभी गाड़ियों जिसे इसका नहीं होता है तो इसका कार्बोरेटर का सेटिंग नहीं होगा तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।